Hello, hello, hello. What's Nina up, ka? You people? It's me, Lina, and welcome to my channel. So today we all are heading to Bidar with our cuckoo. Cuckoo, kuda challa? Shuna, kuda challa, bitti? Oh, great. Okay, the one is there. So this is our trip with cuckoo. और यहाँ वेदर भी बड़ा हमारा साथ देते हुए, बिकॉज वेदर वॉज वेरी ब्यूटिफुल थ्रू आउट द जर्नी. जाते आते इतना प्यारा वेदर था, बहुत ही ब्यूटिफुल सा. ये कोकी सोते हुए, हम डाले कोकी के साथ पिदल होते हुए, मम्मी पापा कोको को सुलाते हुए. Here Varsha is trying to be friendly with Coco. Coco और Varsha friendship करते हुए. Yeah. Here finally Coco और प्रशांत फ्रेंडशिप करते हुए, मतलब पूरी जर्नी में जब जर्नी स्टार्ट हुई ना, तब से प्रशांत और कोको का फर्स्ट इंटरेक्शन. इट्स नॉट लाइक प्रशांत डजंट नो हिम, दे बोथ नो ईच अदर, लेकिन ये उनका पहला इंटरेक्शन था. दोनों ट्राई कर रहे थे फ्रेंडशिप करने का, बिकॉज कोको वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ दैट विंडो. लाइक इस बंदे को जितनी भी खिड़कियां हैं पूरे कार में, उन सारी खिड़कियों से बाहर देखना है. भाई साहब क्या जानने की कोशिश कर रहे थे, भाई साहब ही जाने. और मैं पूरा ट्राई कर रही थी कि मेरा बेटा सो जाए, बट मेरा बेटा सोने के अलावा हर चीज़ कर रहा था, बट बस और बस सो नहीं रहा था. Step one, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 यहाँ हमें लगा कि हमने कोको थोड़ा सा बाहर उतारना चाहिए, क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि शायद उसको पी करना होगा या पुप करना होगा. सो वी हम लोग उसको बाहर लेके आ गए, लेकिन लाइक अ गुड बॉय हमारे कोको ने ऐसे कुछ नहीं किया. उसने बस नेचर को एंजॉय किया, एंड देन वी गेट बैक इनटू द कार विद अ आफ्टर अ वॉक. सिर्फ एक वॉक ली उसने, ये ब्यूटिफुल से सिनारी को एंजॉय करा और निकल गए वापस. ये कोको मम्मी को इरिटेट करते हुए कुठे जातोस तो जातो, आता मला सांगू नकोस. I don't know what we were doing this time, but we were trying to make him sleep, which he was not ready to. मैंने अपना पूरा जो भार है वो अपने हस्बैंड पे डाल दिया था, वो पूरा मुझ पे सो गया था. एज लाइक हम लोग घर पे है, ये तो भगवान ही जाने भाई साहब क्या कर रहे थे. मतलब भाई साहब ने कार को अपना घर समझ लिया था. उसको लग रहा था हम लोग घर पे है, बेड पे है, मम्मी पे चढ़ रहा है, पापा पे चढ़ रहा है, एक साथ सब पे चढ़ना है.
खुशी का ठिकाना नहीं था, बिकॉज एक्चुअली बहुत दिनों के बाद में मेरा बेटा घर के बाहर निकला था. तो ही वॉज सुपर हैप्पी एंड ही वॉज जस्ट ऑल ओवर एवरीबडी. एंड लुक एट दिस बॉय, लुक एट हिज इनोसेंस, कैसे बाहर देख रहा है, इन्जॉय कर रहा है. आई डोंट थिंक इसके बाद हम लोगों को मैप देखने की कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आई थिंक कोको नोज ऑल द डायरेक्शन. जिस कॉन्सेंट्रेशन ने भाई साहब ने पूरे रास्ते भर बाहर देखा हुआ है, ही नोज एवरीथिंग. यहाँ तो मतलब मुझे सीट से उठा के बाहर ही फेंक दिया था कोको ने. पता नहीं कोको क्या सोच रहा था. अगेन कोको एंड प्रशांत, कोको चाहता था प्रशांत उसे शेक हैंड करे, बट कोको शेक हैंड नहीं, कोको ईट हैंड कर लेता अगर थोड़ी देर और वैसा सच. ये पापा कोको को और मम्मी को घूरते हुए सगळं फाउंडेशन खाल्ला असशील ना माझं, काही ठेवलं नाही ना तो वड्यावर फाउंडेशन. काय फायदा मला, काय फायदा नाही. एंड फाइनली आई वोन, और मेरा बेटा सो गया है. और बाप बिदर जाके हमने क्या किया, कैसे पहुंचे, वो सब देखने के लिए दूसरे वीडियो का वेट कीजिए. थैंक यू, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब.